हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तमन्ना एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो नवंबर आ चुका है, सामने विंटर है, तो सर्दी खांसी काफ़ी कॉमन सा चीज़ है। प्लस कोरोना का सीज़न चल रहा है, इसलिए हम लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी जो है वो काफ़ी बूस्ट करके रखना पड़ेगा। तो लास्ट 1 मंथ से मैं एक च्यवनप्राश का सेवन कर रही हूँ, उसी के क्या क्या फ़ायदे हैं वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये है सिद्धायु का च्यवन योग। वेल, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैं इसको ले रही थी और उसको लेके मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है, इसीलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस टाइप का कॉन्टेंट अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ढेर सारे और वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं रोज़ाना च्यवनप्राश लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं च्यवनप्राश इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, एग्जाम्पल आंवला। तो इसके अंदर में ढेर सारे विटामिन सी हैं जो आपके शरीर में एंटीबॉडी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तो सर्दी जुकाम काफ़ी कम होता है। प्लस ये वुमेन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडिया में एटलीस्ट 50% वुमेन जो है वो एनीमिया का शिकार हैं। तो ये आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का मात्रा काफ़ी बढ़ा देता है, तो ये एनीमिक जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को एक प्रॉपर बूस्ट देता है ताकि कोई भी डिजीज आपको छू ना पाए। प्लस इसके अंदर में है ढेर सारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। या दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले ना मैंने एक कहानी सुना था। ऋषि च्यवन नाम के एक ऋषि हुआ करते थे जो काफ़ी एजेड हो गए थे, तो उन्होंने एक च्यवनप्राश का रोज़ाना सेवन करना स्टार्ट कर दिया और वो फिर से जवान हो गए। चलिए, ये तो एक कहानी था, बट एक्चुअल में इसके अंदर में ढेर सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपके चेहरे में झुर्रियाँ आ रही है, तो ये सारी चीज़ को ये करेक्ट कर सकता है। तो इसके रोज़ाना सेवन करने से आप एकदम यंग एंड चुस्त रह सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोग च्यवनप्राश रोज़ाना सेवन करें। आपको बाज़ार में जो भी च्यवनप्राश मिलता है उसी को ले लीजिए। मैं पर्सनली इसको लेती हूँ, इससे मुझे फ़ायदा पहुँचा है, इसलिए मैं ये वाला आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चलिए जान लेते हैं कि इस च्यवनप्राश में क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं और वो इन्ग्रीडियंट्स का क्या क्या फ़ायदा है। वेल, एज फॉर मी, च्यवन योग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग च्यवनप्राश इन इंडिया। इसके अंदर में कोई भी रिफाइंड शुगर नहीं है। आप लोग जानते हैं रिफाइंड शुगर आपकी स्किन में रिंकल्स बढ़ा देता है, इंस्टेड ऑफ शुगर दे हैव यूज जैगरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर में जिंक है एंड विटामिन सी है, जो दोनों ही इंग्रेडिएंट्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपके स्किन को डैमेज होने से रोकता है, लाइक सन रेज पॉल्यूशन, इसके वजह से रोज़ाना हम लोग की स्किन डैमेज हो रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो डैमेज होने से रोकता है आपके स्किन को, प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को। इसके साथ में ही है फ्लैक्सीड एंड सनफ्लावर सीड। फ्लैक्सीड इज फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड सनफ्लावर सीड में है विटामिन ई, एंड दोनों ही आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपके स्किन को स्मूथ एंड सपल रखता है, तो आपका स्किन काफ़ी ग्लोई दिखता है। इसके साथ में है रेजिंस, इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ा देता है। रेजिन इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो कि आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। काउ घी का यूज़ किया गया है इसमें। काउ घी आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके टिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। जो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट लेना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एकदम भी ग्लूटेन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। इसमें कोई एडिड कलर या एडिड फ्लेवर भी नहीं है। मैं सुबह उठ के एक चम्मच गर्म दूध के साथ इसको पी जाती हूँ और शाम को मैं एक बार पीती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को दीजिएगा एक बिग थम्स अप। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।